और ये एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ग्लास का। अब देखो तुम, ये पत्ता है, इस पत्ते में ये उंगलियों के बीच में जो पोर है ये स्टोमेटल एपर्चर है, और उसके नीचे ये जो ग्लास है इसको समझो एक कैविटी है। और देखो ग्लास में पानी दिखा रहे हैं ना, मतलब उस स्टोमेटल कैविटी में पानी है, वाटर है। ये पत्ते का दोनों लेयर, अब समझो ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। ग्लास क्या है? स्टोमेटल कैविटी है। इस ग्लास को क्या मान ले हम लोग? स्टोमेटल कैविटी। और ग्लास में जो पानी है उस स्टोमेटल कैविटी में पानी स्टोर है। अब फिर से समझो, देखो कैसे ट्रांसपिरेशन हो रहा था। ये कॉन्सेप्ट समझने की बात है, पत्ते में इस ग्लास के मुंह को बंद किए हुए हैं और ऊपर से रोशनी आ रही है, क्या पानी वेपर में कन्वर्ट होगा? तुम्हारा आंसर है नहीं सर। लेकिन ज्यों ही हम पत्ते के या इसके ग्लास के मुंह को खोलते हैं, अब इसको ऐसे देखो डायग्राम में तुम लोग, है ना, हम ये बंद कर दिए उंगलियों से और ये खोल दिए, उंगलियों के बीच में स्पेस आ गया, उंगलियों के बीच के इस स्पेस का नाम है स्टोमेटल एपर्चर, और इसके नीचे ये जो ग्लास है ये कैविटी है, इसका नाम क्या रखे हम लोग? इस कैविटी का हम लोग नाम रखे हैं रेस्पिरेटरी कैविटी। इसका नाम क्या रखे हैं? रेस्पिरेटरी कैविटी। डायग्राम में बनाना बिल्कुल संभव नहीं है, तुमको सोचना है, ये सोचना कि पत्ता इतना मोटा, ऊपर पत्ते का लेयर अपर एपिडर्मिस, ये निचला लेयर लोअर एपिडर्मिस, और बीच में कैविटी, इस कैविटी का नाम रेस्पिरेटरी कैविटी और स्टोमेटल कैविटी भी कहते हैं। क्या क्या नाम दिए इसमें? स्टोमेटल कैविटी भी कहते हैं। इस स्टोमेटल कैविटी में क्या दिखा है, क्या गिर रहा था? पानी है, मतलब स्टोमेटल कैविटी कंटेन वाटर। और ये पानी कब वेपर में कन्वर्ट होगा? जब ये स्टोमेटल एपर्चर खुलेगा, देखो तुम्हारी तरफ हम दिखा रहे हैं, ये जब खुला रहेगा तब तो पानी वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन जब ये बंद हो जाएगा ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग फिर से आते हैं, क्या क्या हमने डिस्कशन किए। तो पत्ते में स्टोमाटा दिख रहा है, स्टोमाटा कैसा था ये हम लोग डिस्कस किए। हम लोग किस प्लांट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? जीरोफाइटिक प्लांट के बारे में। जीरोफाइटिक प्लांट कैसा प्लांट है? जो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ये डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। बहुत मुश्किल से ये वाटर को एब्जॉर्ब किया है और पूरे बॉडी में वो वाटर स्टोर है। अब हम लोग क्या कहते हैं? पूरे बॉडी में वो वाटर स्टोर है और पत्ते से ट्रांसपिरेशन होना है, और पत्ते में स्टोमेटल पोर से ही ना ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो अगर स्टोमेटल पोर अंदर की ओर इम्बेडेड हो तो ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाएगा। इसको कहा गया सन किन स्टोमाटा। वैन स्टोमाटा आर इम्बेडेड, समझो ऐसे की ओर अंदर की ओर धंसा हुआ है। एपिडर्मल टिश्यू में क्या अंदर की ओर है, इम्बेडेड है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? सनकेन स्टोमाटा। तो जेरोफाइटिक प्लांट के बारे में हम लोग कुछ और पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। पहला, ये पिट्स में है, ग्रूव में है, गड्ढे में धंसा हुआ है। कहां पे है? पत्ते के एपिडर्मिस में जगह जगह पे गड्ढा है, वहां पे पिट्स है, वहां पे ग्रूव है, उसी में वो स्टोमाटा पाया जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जितना वो धंसा हुआ रहेगा उतना ही कम ट्रांसपिरेशन करेगा, क्योंकि डेजर्ट प्लांट को पानी की कमी है। डेजर्ट प्लांट के लिए क्या है? पानी की कमी है। इसको मिनिमम मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करना है और मिनिमम ट्रांसपिरेशन करना है, इसीलिए स्टोमाटे का नाम रखा गया सन कैन स्टोमाटा। क्या नाम रखे इसका हम लोग? सन कैन स्टोमाटा। तो ये दूसरा पार्ट हम लोग देखे, दूसरा पार्ट हम लोग देख रहे हैं। नॉर्मली स्टोमाटा दिन में खुलता है और रात में बंद हो जाता है। दिन में बहुत गर्मी होती है, कितना भी खुला रहेगा कम भी खुलेगा, पीटेड भी रहेगा, अंदर भी रहेगा, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन तो होगा ही होगा। और स्कॉर्चिंग हीट होती है, डेजर्ट की बात करें तो बहुत गर्मी होती है वहां पे, है ना, दिन में 51 डिग्री, 49 डिग्री, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। तो अगर संकेन स्टोमाटा भी है फिर भी वहां पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत होने लगता है, इसीलिए डेजर्ट के कुछ प्लांट में स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम चेंज हो गया, मैकेनिज्म डेवलप हो गया। उस मैकेनिज्म को कहते हैं हम लोग, उस स्टोमाटा को कहते हैं जिसमें रात में स्टोमाटा खुलता हो और दिन में बंद हो जाता हो, हम लोग एक नया नाम दिए और वो नाम है स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा। मतलब एक्टिव स्टोमाटा कब एक्टिव है? स्कोटो नाइट में एक्टिव है, जब स्टोमाटा रात में खुलता हो और दिन में बंद हो जाता हो हम लोग इसको क्या कहते हैं? स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा। ये समझ में आ गई बात? तो देखो डेजर्ट प्लांट से रिलेटेड दो बातें हम लोग जान चुके। पहला,
वहां पे पत्ता तो ज्यादातर स्पाइन में कन्वर्ट हो चुका है, और जो स्टोमाटा होता है वो इम्बेडेड होता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। इस अंदर की तरफ इम्बेडेड स्टोमाटा को हम लोग नाम देते हैं सनकेन स्टोमाटा। क्या नाम दिए इसका हम लोग? सनकेन स्टोमाटा। और दूसरी बात क्या बोले हम लोग? नॉर्मल स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम कैसा होता है? नॉर्मल स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम होता है स्टोमाटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड रिमेन क्लोज ड्यूरिंग नाइट। रात में ये बंद हो जाता है और दिन में ये खुल जाता है। लेकिन बहुत से जेरोफाइटिक प्लांट में बिल्कुल रिवर्स हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये तुमको समझ में आ चुकी है बात? क्योंकि रिड्यूस करना है किसको? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए प्लांट कौन सा मैकेनिज्म डेवलप किया? रात में स्टोमाटा खुल रहा है और दिन में स्टोमाटा बंद हो रहा है, हम लोग इसके लिए टर्म यूज किए स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा आर प्रेजेंट इन, तुम्हारा ऑप्शन होगा, दे आर प्रेजेंट इन डेजर्ट प्लांट, दे आर जीरो फाइटिक प्लांट। डेजर्ट प्लांट को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या कहते हैं इसको? जीरो फाइटिक प्लांट, XERO, जीरो फाइटिक प्लांट। तो ये दूसरा टर्म डिस्कस किए, और तीसरा टर्म डिस्कस कर रहे थे इनमें कुछ और कॉमन प्लांट जो हम लोगों के एरिया में भी दिख रहा है ना, हम लोगों के एरिया में ओलियंडर और नेरियम जैसा प्लांट दिखता है। तो ये कॉमनली इसको देखने के लिए डेजर्ट एरिया जाने की जरूरत नहीं है ना, तो ये रेगिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, ये कॉमनली भी दिखना शुरू हो गया। तो ये हम लोग कह दिए स्टोमाटा के बारे में। अब हम लोग आते हैं जरा स्टोमाटा के शेप को और स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। एक स्टोमाटा के बारे में लोग क्या बताए कि नॉर्मल पर मिलीमीटर एरिया में 100 से लेकर 300 स्टोमाटा तक मिल सकता है, लेकिन जो डेजर्ट वाला प्लांट होता है ना, वहां पे नंबर ऑफ स्टोमाटा ड्रास्टिकली कम हो गया, अचानक बहुत कम हो गया। तुम देखो फिगर क्या लिखे हम लोग, 10 to 15, 10 से 15 स्टोमाटा ही मिल रहा है। क्यों हुआ ये तुम एक्सप्लेन कर सकते हो? बताओ बच्चों क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि डेजर्ट प्लांट को पानी को बचाना है। तुम रेगिस्तान में चले गए, 2 बॉटल पानी है, क्या करोगे? सुबह सुबह उठोगे पी जाओगे, तुमको दिन भर में 2 ही बॉटल पानी मिला है, अब शाम को ही मिलेगा तो क्या करोगे? कोशिश क्या करोगे? कितनी भी गर्मी लगे बस थोड़ा सा घूट पानी पिए, बस फिर उसको बचा के रखे, फिर जब बहुत गर्मी लगी थोड़ा सा पानी पिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेशन है। यहां भी डेजर्ट प्लांट के पास क्या है? लिमिटेशन ऑफ वाटर है, इतना पानी नहीं है कि वो आराम से उसको खर्च करे। इसीलिए नंबर ऑफ स्टोमाटा को क्या किया? वो रिड्यूस कर लिया। नॉर्मल प्लांट में जहां 100 to 300 स्टोमाटा पर मिलीमीटर स्क्वायर एरिया में मिल रहा था, वहां ये घट के 10 to 15 हो गया। अब हम लोग आते हैं स्टोमाटा का शेप देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक स्टोमाटा एक ओपनिंग है, एक गेट है। तुम लोग भी जाते होगे किसी बड़े जगह पे, वहां पे गेट होता है, नहीं बहुत कई जगहों पे जाते होंगे, गेट होता है और गेट के दोनों तरफ 2 गार्ड बैठा रहता है। कौन बैठा रहता है? 2 गार्ड बैठा रहता है गेट के। उस ओपनिंग को, गेट को कहा गया स्टोमेटल एपर्चर। उस ओपनिंग का नाम क्या रखे हम लोग? स्टोमेटल एपर्चर। गेट के दोनों तरफ 2 गार्ड है, एक बाई तरफ दिखा रहे हैं और एक दाई तरफ दिखा रहे हैं। इस गार्ड को बोला गया, क्या बोले हम लोग? गार्ड भैया। नहीं, क्या नाम दिए? गार्ड भैया। यहां चूंकि ये सेल है, इसका नाम क्या रख दिए? गार्ड सेल। क्या नाम रखे इसका? कितना गार्ड सेल मिला? तो एक ओपनिंग के दोनों तरफ एक एक गार्ड सेल है, मतलब नंबर ऑफ गार्ड सेल इज 2। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे हम लोग। इस पूरे डायग्राम को ध्यान से देखो और इन दोनों डायग्राम को भी ध्यान से देखो। ये जो स्टोमाटा मिल रहा था, इस पे 2 क्वेश्चन फिर आ सकता है। पहला, एक डायकॉट के पत्ते में ये और एक मोनोकॉट के पत्ते में, डायकॉट और मोनोकॉट के पत्ते को हम कैसे डिस्टिंग्विश किए, डायग्राम में कैसे समझा रहे थे? जिसमें वेनेशंस जो दिखा रहे हैं, रेटिकुलेट है, ये वेन्स दिखा रहे हैं, जो रेटिकुलेट है जाली नुमा है, इसको कहते हैं डायकॉट के पत्ते में मिलने वाला वेन्स, और मोनोकॉट में पैरेलल वेन्स दिखा देते हैं। तो मोनोकॉट के पत्ते में वेन्स हमेशा पैरेलल होता है, इंटरसेप्ट नहीं करता है, आपस में फ्यूज नहीं करता है, इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन और इसको कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। दोनों में हम स्टोमाटा बना दिए हैं। देखो ध्यान से तो स्टोमाटा का तुमको कैरेक्टर पता चल जाएगा। डायकॉट के पत्ते में स्टोमाटा पूरे पत्ते में फैला दिए हैं, मतलब दे आर स्कैटर्ड। कैसा होगा ये? स्कैटर्ड है, लेकिन इसमें देखो पैरेलल रो में दिखा रहे हैं, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, मतलब
इन मोनोकॉट लीफ स्टोमाटा आर प्रेजेंट इन पैरेलल रो। कैसे मिलेगा ये? पैरेलल रो में मिलेगा। लेकिन एक डाइकॉट के पत्ते में कैसे मिलेगा? स्कैटर्ड मिलेगा, चारों तरफ फैला हुआ मिलेगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो मेडिकल में आ सकता है ना, एक बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? डाइकॉट के पत्ते में स्टोमाटा कैसा होगा? योर आंसर इज व्हाट? द स्टोमाटा इन डाइकॉट लीफ आर ऑलवेज स्कैटर्ड, वेयर एज इन केस ऑफ मोनोकॉट लीफ द स्टोमाटा आर प्रेजेंट इन द पैरेलल रो में दिख रहा होता है। तो ये हम लोग स्टोमाटा के अरेंजमेंट को देख रहे थे। अब हम लोग स्टोमाटा के प्रॉपर स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। हमने क्या कहा? स्टोमाटा इज ए पोर। आप जा रहे हो पिक्चर देखने और दरवाजा खुलेगा, दरवाजा के दोनों तरफ दो गार्ड हैं जो आपको अंदर एंट्री देंगे। तो वो जो पोर दरवाजा खुला और बंद हुआ, उसी खुलते हुए दरवाजे और बंद होते हुए दरवाजे के स्पेस का नाम रखा गया स्टोमाटा। तो स्टोमाटा क्या है? एक एपर्चर है, एक एरिया है जो खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है। और उस पिक्चर के हॉल के गेट को कौन बंद करता है? वो दोनों गार्ड जो उसके बगल में खड़ा है ना, वो बंद कर देता है। आप टिकट दिखाते हो तब वो खोलता है और आपको बोलता है अंदर जाइए, फिर आप अंदर चले गए, फिर उसको बंद कर देता है। मतलब दैट ओपनिंग, वो जो ओपनिंग दिख रहा था, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज कंट्रोल्ड बाय ऑफ कोर्स गार्ड सेल। ये खुला रहेगा या बंद होगा इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसके बगल में मिलने वाला गार्ड सेल। और गार्ड सेल का नंबर कितना बताया? गार्ड सेल का नंबर हमने बताया 2। अब जरा गार्ड सेल, उस गार्ड भैया के पास जाओ और देखो, गार्ड भैया ऊपर से तो शर्ट पहना हुआ है लेकिन अंदर में बुलेट प्रूफ भी पहना हुआ है, क्योंकि खतरा होने की संभावना है। कभी भी कोई लड़ाई हो जाती है, कोई मार देता है, कोई बम चला देता है, कोई गोली चला देता है। तो इनर वॉल उसका कैसा है? अंदर की तरफ वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है, ऊपर से एक शर्ट पहना हुआ है। तो ऊपर का वॉल पतला है और अंदर का वॉल जैकेट है, बहुत मोटा है। मतलब इनर वॉल इज ऑलवेज थिक एंड आउटर वॉल इज थिन। ये क्वेश्चन फिर मेडिकल में कई बार आया है कि गार्ड सेल में कौन सा वॉल ज्यादा मोटा होता है और कौन सा पतला होता है। अब इस गार्ड सेल के अंदर के सेल्स को ऑब्जर्व करना शुरू किए। इसके अंदर क्वांटिटी में, बहुत अमाउंट में क्लोरोफिल का कंटेंट दिख रहा है, इसलिए क्लोरोफिल के कंटेंट को दिखाने के लिए इस पूरे डायग्राम को ग्रीन कलर से बना दिए है ना, क्लोरोफिल दिख रहा है। तो गार्ड सेल कैसा दिख रहा होगा? गार्ड सेल, और देखने में ये गार्ड सेल बीन शेप्ड या किडनी के शेप में दिख रहा है। तो गार्ड सेल के बारे में हम लोग 4 बात जान गए। ये जो डायग्राम बनाया है ना, ये डायकॉट में मिलने वाले स्टोमाटा का डायग्राम है। तो स्टोमाटा क्या हो गया? स्टोमाटा इज ए काइंड ऑफ एपर्चर। इसके नीचे हम लोग क्या बताएं? इसके नीचे देयर इज अ कैविटी। उस कैविटी में क्या है? उस कैविटी कंटेन वाटर। उस कैविटी का क्या नाम दिए? उस कैविटी का 2 नाम दिए, एक रेस्पिरेटरी कैविटी और दूसरा स्टोमेटल कैविटी। फिर हम लोग आ गए दिस ओपनिंग, ये जो ओपनिंग दिखा रहे थे ना, दिस इज गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल। कितना गार्ड सेल मिल रहा है? देयर आर 2 गार्ड सेल। और गार्ड सेल का कौन सा वाल मोटा है, कौन सा पतला, ये भी मेडिकल का क्वेश्चन है। इनर वाल इज थिक, ये देखो इनर वाल है ना, ब्लू लाइनिंग्स दिखा रहे हैं, ये थिक हो गया। बट आउटर वॉल इज थिन। और अंदर में क्या मिला? अंदर में क्लोरोप्लास्ट का कंटेंट मिल रहा है, क्लोरोफिल भरा हुआ मिल रहा है। तो हमने यही कहा था ना कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल एक्सेप्ट गार्ड सेल। अब तुमको समझ में आ गया ऐसा स्टेटमेंट हमने क्यों लिखा था, क्योंकि गार्ड सेल में क्या दिख रहा है? क्लोरोफिल का कंटेंट दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं स्टोमाटा के गार्ड सेल के बाहर भी कुछ और सेल दिख रहा होता है। इसको हम लोग 2 नामों से जानते हैं। इसको या तो एक्सेसरी मतलब होता है हेल्पिंग, सहायक, हेल्प करने वाला, या हम लोग कहते हैं सब्सिडियरी सेल। क्या क्या नाम दिए हम लोग? किसके बाहर मिला? तो गार्ड सेल के चारों तरफ गार्ड सेल को प्रोटेक्ट करता हुआ फिर कुछ सेल दिख रहा है। इस गार्ड सेल के बाहर मिलने वाले सेल का नाम क्या रखे हम लोग? एक्सेसरी मतलब सहायक सेल। क्या नाम रखते हैं इसका हम लोग? एक्सेसरी सेल। या इसके लिए एक और नाम दिया गया, सब्सिडियरी सेल। तो क्या नाम दिया इसका हम लोग? सब्सिडियरी सेल। तो हम लोग क्या क्या देखे, फिर से देखो, हम लोग स्टोमाटा को डिस्कस कर रहे हैं। तो डाइकॉट में स्टोमाटा कैसा मिला? स्कैटर्ड। मोनोकॉट में कैसा मिला?
दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल रो। स्टोमाटा किसको बोले? दे फाइन ओपनिंग, छोटे छोटे ओपनिंग को क्या नाम दिए हैं? स्टोमाटा। स्टोमाटा इज गार्डेड बाय टू गार्ड सेल, दोनों तरफ कितना सेल है? दो गार्ड सेल है। गार्ड सेल के अंदर कौन सी चीज मिल रही है? गार्ड सेल कंटेन क्लोरोफिल, इसमें बहुत सा क्लोरोफिल मिल रहा है। कौन सा वॉल गार्ड सेल का थिक है? आंसर क्या होगा? इनर वॉल इज थिक। क्या आंसर होगा? इनर वॉल इज थिक। और इस ओपनिंग के नीचे, इस ओपनिंग के नीचे कैविटी है, उस कैविटी का नाम क्या रखे? रेस्पिरेटरी कैविटी या सब स्टोमेटल। स्टोमाटा के नीचे है, हम लोग कहते हैं ना सब मतलब नीचे, सब स्टोमेटल कैविटी। क्या नाम रखे इसका? सब स्टोमेटल कैविटी। और उस कैविटी में क्या है? उस कैविटी में वाटर ड्रॉपलेट्स है। जब ये एक्सपोज होगा तो ये वाटर ड्रॉपलेट वेपर के रूप में बाहर निकलेगा और इस प्रोसेस का नाम देंगे ट्रांसपिरेशन। और हम लोग कहते हैं गार्ड सेल ओपन होगा या क्लोज होगा, ये कंडीशन दिखा रहे हैं जब गार्ड सेल क्लोज है, और ये कंडीशन दिखा रहे हैं जब गार्ड सेल स्टोमाटा को ओपन कर दिया। तो स्टोमाटा ओपन है या क्लोज है, दो ही बात हो सकती है। रात में ये क्लोज है और दिन में ये ओपन है। ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल किया? हमने कहा था गार्ड सेल। और कैसे? तो ये पूरे फिजियोलॉजी का पार्ट है। हम लोग अभी एक स्टेटमेंट सिर्फ बता रहे हैं, बाय टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल अगर टर्जिड होगा तो ये खुल जाएगा, फ्लैसिड होगा तो ये बंद हो जाएगा। अब टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी को समझ लो। एक बेलून ले लिए, बेलून में हवा भर दिए और बेलून फूल गया, ये टर्जिड बेलून हो गया। और बेलून से हवा निकाल दिए, क्या हो गया? ये फ्लैसिड हो गया। तो जब गार्ड सेल में वाटर कंटेंट मैक्सिमम है तो इसको कहते हैं टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। और जब गार्ड सेल से वाटर कंटेंट बाहर निकल जाता है, ये उसी बेलून की तरह चिपक जाता है, अब हम लोग इसको बोलते हैं फ्लैसिड गार्ड सेल। तो क्या क्या हम लोग टर्म यूज किए? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो आंसर क्या होगा? डिपेंड्स अपॉन द टर्जिडिटी। टर्जिडिटी क्या हुआ? जब गार्ड सेल पानी एब्जॉर्ब करके टाइट हो गया, फूल गया, तो कह दिए टर्जिडिटी। और जब गार्ड सेल से पानी निकल गया और ये पिचक गया, तब इसको बोलते हैं फ्लैसिडिटी। तो कहते हैं ड्यूरिंग डे टाइम देयर इज अ टर्जिडिटी एंड ड्यूरिंग नाइट देयर इज अ फ्लैसिडिटी। और इसीलिए दिन में स्टोमाटा खुल जाता है, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, और रात में स्टोमाटा बंद हो जाता है। तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा इज बिकॉज ऑफ टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी ऑफ गार्ड सेल। अब हम लोग आते हैं इस गार्ड सेल को, जो डायकॉट का था, देखने में बीन शेप्ड है। कैसा है देखने में? किडनी शेप या बीन के समान है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है मोनोकॉट का स्टोमाटा कैसा होगा। ये जो डायग्राम बनाया है ना, ये मोनोकॉट का स्टोमाटा है, ये स्टोमेटल एपर्चर है और ये दोनों गार्ड सेल है। मोनोकॉट के केस में गार्ड सेल देखने में डंबल शेप्ड होता है। डंबल जिससे तुम लोग एक्सरसाइज करते हो, ऐसे उठाते हो, अपने मसल्स को बनाते हो, उसको डंबल कहते हैं। देखो डायग्राम में बिल्कुल ये देखने में कैसा डंबल के समान है। बीच में इसको होल्ड कर लिए और ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मोनोकॉट के प्लांट में गार्ड सेल कैसा होगा? दे आर डंबल शेप। लेकिन डाइकॉट के प्लांट में कैसा होगा? तो क्या आंसर देंगे? इन डाइकॉट दे आर कैसा होगा? बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड। तो ये हम लोगों का एक टॉपिक खत्म हुआ और इस टॉपिक का नाम था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और अब जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक का नाम होगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो एक टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम।